हमारे हाथ की कुछ सीक्रेट मुद्राओं से हम अपने ब्रेन की बहुत सारी पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में छुपे होते हैं बहुत से ऐसे न्यूरॉन्स। अगर उनको थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया जाए तो ब्रेन की ऐसी हिडन पावर्स जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर हमारे शरीर और मन की कोई समस्या है तो उसे भी सुलझा सकती हैं ये हैंड जेस्चर्स, ये सीक्रेट हैंड जेस्चर्स जो आजकल बहुत सारे वेस्टर्न पर्सनालिटीज को करते हुए भी देखा जा सकता है। चाहे इलॉन मस्क हो या मार्क जुकरबर्ग या बहुत सारे ऐसे फेमस प्लेयर्स, यदि आप उनके इंटरव्यूज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उन्होंने अपने हैंड में एक सीक्रेट जेस्चर बनाया हुआ है। अगर उनके हाथों की मुद्रा पर गौर किया जाए तो लगता है कि वो कुछ साइन लैंग्वेज दिखा रही हैं, परंतु वो साइन लैंग्वेज नहीं, हमारे वैदिक इतिहास की कुछ सीक्रेट हैंड जेस्चर्स हैं। ये बुद्धिस्ट आर्ट से ली गई हैं। जब भी आपने महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को देखा होगा या उनकी पिक्चर को देखा होगा तो आपने पाया होगा कि उनको देखते ही एक शांति हमारे मन में आने लगती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जब हम महात्मा बुद्ध को देखते हैं तो पाते हैं उनके हाथों में कुछ सीक्रेट जेस्चर्स बने हुए हैं, मतलब उनके हाथों में कुछ मुद्राएं नजर आती हैं। महात्मा बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें खेलने कूदने से ज्यादा अच्छा लगता था एकांत में बैठना और चिंतन करना। इसके लिए उन्होंने पारिवारिक मोह को भी त्याग दिया था और 6 सालों तक बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उनके मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिसके कारण उन्होंने इतने साल तपस्या की। जब उनकी तपस्या खत्म हो गई तो उनको उनके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई, क्योंकि उन्होंने खुद पर जीत हासिल कर ली थी। इसी प्रकार का विशेष ज्ञान हमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियों से मिलता है कि कैसे हम इन मुद्राओं के पीछे की साइंस को समझकर अपने अंदर की भी हिडन पावर्स को जगा सकते हैं, अपने शरीर को सुखमय और निरोगी बना सकते हैं। और जब शरीर निरोगी और पवित्र बन जाता है तो आत्मा में पवित्रता का वास होता है, शांति और सुकून क्रोध ईर्ष्या द्वेष की जगह ले लेता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आप सभी का इस चैनल को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का इस परिवार में स्वागत करती हूँ। जब हम मुद्राओं की बात करते हैं तो सोचते हैं कि हाथों की मुद्राओं में ये कैसे सीक्रेट छुपे हैं। अगर देखा जाए तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसका नाम है वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। और ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं तो हमारे 5 तत्व संतुलित होने लगते हैं, और जब ये 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बैलेंस उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सबसे पहली है उत्तर बोधि मुद्रा। बुद्ध द्वारा सिखाई गई जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा है वो उत्तर बोधि मुद्रा है। इसको अपने आप में बुद्ध मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। शरीर और मन को ठीक करने के लिए सबसे पावरफुल मुद्रा यही मानी जाती है। जब हम इस मुद्रा में होते हैं तो ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ऐसी सिचुएशन जब हमें स्ट्रेस होता है तो यह मुद्रा बहुत काम आती है। इसमें उंगलियों को ऊपर की ओर रखा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि अब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। जब आप उत्तर बोधि मुद्रा करते हैं तो इससे आपकी कंसंट्रेशन में सुधार होता है, मन शांत होता है और हमारे थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। इसलिए जब आप इंटरव्यू दे रही हो या किसी डिस्कशन में शामिल हो तो इस मुद्रा को कर सकती हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ने से डर पर भी काबू होने लगता है। ये मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा हिंदू देवी हाकिनी के नाम पर जानी जाती है। संस्कृत में हाकिनी का अर्थ है शक्ति या शासन। जब आप यह मुद्रा करते हैं तो आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल प्राप्त होता है। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले हथेलियों को एक दूसरे के सामने कुछ इंच की दूरी पर रखना होता है। उसके बाद दोनों हाथों की अंगुलियों और अंगूठों को एक साथ लाना होता है, जिससे उनमें एक दूसरे पर हल्का सा प्रेशर पड़ता रहे। फिर हाथों को इस तरह रखना है कि उनकी पोजीशन ऊपर की ओर हो। अगर आप इस पर अपनी आंखों से पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और सांस लेते हुए पूरा ध्यान रखते हैं तो इससे आपका मन संतुलित होने लगता है। इस मुद्रा को मन की मुद्रा भी कहा जाता है। माना जाता है कि हाकिनी मुद्रा के अभ्यास से हमारा तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। और तीसरा नेत्र जागृत होने का मतलब है अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियों का आना, जिससे हमें कुछ बातों का पूर्वाभास होने लगता है। इससे हमारी 6ठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। जिन लोगों को अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है वो इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अगली मुद्रा ध्यान मुद्रा है। ऐसी मुद्रा जो अपने नाम से ही जानी जाती है, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आप जहाँ अपना ध्यान लगाना चाहते हैं
वहां ध्यान लगा पाते हैं। इसमें आपको पद्मासन या सुखासन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठे को अपनी तर्जनी उंगली से मिलाना होता है और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो यह मुद्रा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि आप किसी भी पढ़ी हुई चीजों को अपने दिमाग में मेमोराइज करना चाहते हैं और अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं तो इस मुद्रा का उपयोग करने से आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। विद्यार्थियों और प्रोफेशनल लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही काम की मुद्रा है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। अपनी मध्यमा तर्जनी उंगली और अंगूठे को आपस में मिलाकर बाकी दोनों उंगलियों को अपनी हथेली से लगाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे तत्व संतुलित होने लगते हैं। जब हमारे पांचों तत्व असंतुलित होते हैं तो हमें तनाव उत्पन्न होता है और यह एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे तनाव को कम करने में सबसे ज्यादा प्रभावी है। जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो नकारात्मकता का नाश होने लगता है और सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। अगर भारी सांस के साथ इस मुद्रा को किया जाए तो हमारे शरीर में वात पित्त और कफ भी संतुलित होने लगता है, जिसका सीधा सा अर्थ हमारे तनाव के संतुलन से ही है। जब मन संतुलित होता है तो तनाव के पैदा होने का कोई कारण ही नहीं बनता। तो यदि आप अपने तनाव को कम करके सकारात्मकता को अपने अंदर भरना चाहते हैं तो आपको यह मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। अगली मुद्रा है से मुद्रा। यह एक ऐसी मुद्रा है जो आपको आपके सांस पर कंट्रोल करने में मदद करती है। नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से दूर करती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को भर देती है। इसमें अंगूठे के सिरों को छोटी उंगलियों के आधार पर रखा जाता है और अंगूठे को चारों उंगलियों से घेर लिया जाता है। भिक्षुओं की बात की जाए तो उनका मानना है कि यही एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे दुख भय और दुर्भाग्य को भी दूर कर सकती है। जब चिंता या अवसाद से पीड़ित हों तो यह मुद्रा आपको उस निराशा से बाहर निकाल देती है। इसलिए जब आप किसी परफॉर्मेंस को करने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए तो आप इस मुद्रा को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको उस समय की निराशा और उधेड़बुन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी और आपके विचारों को स्पष्ट कर देगी। अगली मुद्रा है गणेश मुद्रा। हिंदू धर्म में गणेश भगवान को हर प्रकार के विघ्न को दूर करने वाला माना जाता है। इसी प्रकार गणेश मुद्रा को करने से हमारे शरीर के सारे विघ्न दूर होते हैं और हम इमोशनल रूप से मजबूत बनते जाते हैं, क्योंकि जब हम इमोशनली कमजोर होते हैं तो जीवन की हर छोटी छोटी परेशानियां भी हमें बड़ी होकर डराने लगती हैं। हमें उन्हीं समस्याओं का मजबूती से सामना करना होता है। जब आप इस मुद्रा को करते हैं तो शरीर में चमक पैदा होती है और हृदय के पास रक्त संचार बढ़ जाता है, जिसके बढ़ने से हमारा मनोबल बढ़ने लगता है। हम मजबूत महसूस करते हैं और इसी वजह से एक्साइटमेंट बढ़ती है। ये ऐसी एक्साइटमेंट होती है जो आपको डर और भय से बाहर निकाल देती है। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको यह गणेश मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यदि हम इन मुद्राओं की बात करें तो ये सभी मुद्राएं शरीर के लिए तो लाभकारी हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन और हमारी आत्मा के लिए भी लाभकारी हैं। इन सभी मुद्राओं से जब शरीर स्वस्थ होता है और हम अपनी दिनचर्या की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं और परिस्थितियों के सामने मजबूती से डटकर खड़े होते हैं। यह तभी होता है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होते हैं, और इन मुद्राओं की सहायता से वो संतुलन जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब और अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति के अनुसार इनमें से कोई भी मुद्रा चुनकर प्रतिदिन उसका अभ्यास कर सकते हैं। हमें अपने इस वैदिक ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। सक्सेसफुल लोगों जैसा बनना है तो उनकी इस हैबिट को तो अपनाना ही पड़ेगा। आज से ही आप इन मुद्राओं को शुरू कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस डालती हूँ, जो भी व्यक्ति इसे देखे उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले और उनके जीवन की क्वालिटी में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे। यदि आप यहाँ से कुछ भी सीख कर जाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि हमारी वीडियोस को सही लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।